दोस्तों मैं गजेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं टेकी गजेश के एक और फ्रेंड एपिसोड में। दोस्तों आज है मेरे पास में ये नॉइजी बॉक्स की तरफ से आने वाला एक विंटेज लुकिंग रेट्रो स्टाइल रेडियो का ब्लूटूथ स्पीकर, और ये एक्चुअली अमेजोन पे करीबन 1300 रुपये से लेके 1500 रुपये के आसपास तक आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है इसके क्या आपको वो आपके 1500 रुपये इस स्पीकर पे खर्च करने चाहिए। वेल दैट्स समथिंग आपको आंसर इन दिस वीडियो। चलिए करते हैं शुरू। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं और पहली बार आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे इस स्पीकर की। अब देखिए एक्चुअली इस स्पीकर का एक गिव अवे चल रहा है मेरे चैनल पे जो कि अभी लाइव है, आपको यहाँ पे लिंक मिल रहा होगा, वहाँ जाकर चेक कर लें। और इसके एक्चुअली 3 कलर्स हैं मेरे पास में, एक ये रेड है, एक ये ब्लैक है और एक ये ब्राउन कलर है। तो ये तीनों है मेरे पास में, और गिव अवे में अगर आपको पार्टिसिपेट नहीं किया तो प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है आप जाके चेक करें यहाँ बटन से, या फिर अदरवाइज आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए हमेशा की तरह हम आज के इस वीडियो को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वीडियो के पहले पार्ट में हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट के पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए, वो चीज़ जो बहुत ही बढ़िया है और मुझे यहाँ पे काफ़ी पसंद आई। और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे इसके नेगेटिव पॉइंट्स की, यानी वो चीज़ें जो डिसअपॉइंटिंग है और आपको भी शायद ज़्यादा पसंद नहीं आएगी। एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो विल ट्राई एंड डिसाइड कि अगर आप इसे खरीदना चाह रहे हैं तो आपको इसे खरीदना चाहिए नहीं, और ये नहीं तो इसके अलावा आप और कौन से ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ में। देखिए पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लगी वो है इसका डिज़ाइन। अब आपको देखिए बता, दिस इज लाइक वेरी स्मॉल स्पीकर और इसमें टिपिकल आपको रेट्रो स्टाइल दिया गया है डिजाइनिंग में, और काफी बढ़िया दिखने में लगता है ये। हालांकि इसके बिल्ट तो प्लास्टिक की है और बहुत ज्यादा ड्यूरेबल तो नहीं है, बट डेफिनेटली इसके लुक्स बहुत ही बढ़िया हैं। और साथ में आपको यहाँ पे ये ग्रिल मिलती है, एक्चुअली मेटालिक ग्रिल है जो कि इसके लुक को और कॉम्प्लीमेंट करती है। और ये टिपिकल मतलब पुराना एक रेट्रो फैशन वाले जो रेडियो होते थे उस तरह का है, छोटा साइज में हालांकि ये। और साथ में आपको यहाँ पे नॉब्स मिलते हैं जहाँ पे मेटालिक कोटिंग भी की गई है, तो कुल मिला के आपको यहाँ पे काफी बढ़िया एक ये लुक एंड फील मिलने वाली है। अब बात करेंगे इसके कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। अब देखिए एक्चुअली ये डिजाइन तो पुराना है और आपको यहाँ पे टिपिकल छोटा सा स्पीकर मिल रहा है, लेकिन आपको कनेक्टिविटी ऑप्शन के बारे में तो कुछ भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मतलब सारे आपको कनेक्टिव ऑप्शन मिल जाएंगे। अब देखिए एक्चुअली रेडियो तो इसमें है ही, आपको यहाँ ब्लूटूथ मिलेगा, आपको यहाँ पे यूएसबी ड्राइव से आप गाने प्ले कर सकते हैं, आपको यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, आप उसमें कार्ड लगाएं आप गाने प्ले करें, आपको यहाँ पे ऑक्स इन भी मिल जाएगा। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं आपके कनेक्शन के लिए, तो जो कि मुझे यहाँ पे काफी बढ़िया लगा। अब अगर बात करें इसके रेडियो की, अब देखिए एक्चुअली साइज छोटा है, लेकिन एक्चुअली आपको यहाँ पे रेडियो के 3 बैंड मिलेंगे, FM, AM और SW, एंड यू ऑल्सो हैव दिस एंटीना जो कि आपकी सिग्नल्स को थोड़ा सा अगर आप इन केस अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये और बूस्ट कर देगा। वैसे सिग्नल्स बहुत ही अच्छे हैं, नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब एक और चीज़ यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है वो ये है कि आप जब यहाँ इसको ऑन करेंगे ना तो आपको यहाँ एक लाइट ऑन होती है जो कि आपको अलग तरह का कैंपेन देगी, जो कि काफ़ी मतलब दिखने में बढ़िया लगता है। एंड द गुड थिंग इज कि आपको यहाँ पे चैनल सेलेक्ट करने के लिए ना मैनुअली इस नॉब को घुमाना होता है, मतलब यहाँ बटन नहीं दिए गए आप बटन प्रेस करें वो अपने आप सर्च कर रहा है, वो नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पे एक नॉब दिया गया है जिसमें आप इसको घुमाओगे मतलब मूव करेंगे तो ये चैनल को सेलेक्ट करेगा। 120, 23, 23 क्रेट बढ़ जाएगी। तो ये डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया है और ये आपको अलग मतलब एक बढ़िया वाला रेडियो का एक्सपीरियंस ही देने वाला है, तो मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ में काफ़ी बढ़िया लगी। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी साउंड की। अब देखिए एक्चुअली इसका साइज तो बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पे आपको साउंड काफ़ी बढ़िया मिलती है, मतलब काफ़ी लाउड साउंड मिलती है। और मैं आपको अगर आप यहाँ साउंड का सैम्पल सुनाऊँ तो आप ये सुनिए, मतलब एक्चुअली इस साइज के हिसाब से डेफिनेटली ये काफी लाउड है और ये काफी क्लियर भी है, मतलब ये इवन पीक वॉल्यूम पे भी ऐसा कुछ मतलब साउंड में मफल या कुछ भी नहीं होता, तो मुझे ये भी साउंड में काफी बढ़िया लगा। अब क्योंकि ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको बैटरी तो मिलेगी, लेकिन बैटरी के डिपार्टमेंट यहाँ बेसिकली मेरे मिक्स ओपिनियन, मतलब कुछ चीजें यहाँ पे अच्छी हैं कुछ चीजें अच्छी नहीं है। जो अच्छा वाला पार्ट है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे आपको बैटरी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिलती है, मतलब आपने बैटरी को चार्ज कर लिया आप आराम से लंबे टाइम तक गाने सुने, नॉर्मली बैटरी ड्रेन जल्दी नहीं होती, जो कि काफी बढ़िया लगा मुझे यहाँ पे। तो ये सारी चीजें मतलब लगे यहाँ पे इसमें है पॉजिटिव। अब अगर बात करें
इसके नेगेटिव पार्ट के, मतलब वो चीज़ जो डिसअपॉइंटिंग लगी और उतनी अच्छी नहीं है। देखिए पहली चीज़ मुझे यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं लगी वो ये कि ये जो स्पीकर है ना इसमें ये जो नॉब दिए गए, हालांकि यहाँ मेटालिक फिनिश मिलती है पर ये मेटालिक फिनिश अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये जल्दी से निकलने लगेगी, तो ये मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। बट द गुड थिंग इसकी द ब्रांड से इसकी ये जो मेटल के नॉब वगैरह दिए गए हैं अभी, मतलब मेटालिक फिनिश के नॉब दिए गए हैं, इनको आप रिप्लेस करा सकते हैं अगर आप ये खराब हो जाते हैं तो। एंड बहुत कम, मतलब करीबन 100-150 रुपये के आसपास खर्चा लगेगा आपका और ये आपको नॉब्स पूरे नए मिल जाएंगे, तो ये थोड़ा सा सेवियर एटलीस्ट यहाँ पे है। उसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं लगी वो है बैटरी के डिपार्टमेंट में। अब देखिए जब हमने बैटरी की बात की थी मैंने कहा था कि यहाँ पे बैटरी में कुछ चीज़ अच्छी है कुछ बुरी है। जो अच्छा पार्ट था वो ये था कि बैटरी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, बट अगर बात करें नेगेटिव वाले पार्ट की तो यहाँ पे एक चीज़ तो दिक्कत ये है कि आपको जो चार्जिंग केबल मिलती है वो एक नॉर्मल सी केबल है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है, और दूसरा आपको यहाँ पे एक ये पोर्ट मिलेगा जो कि है मिनी यूएसबी, यानी पुराना सा पोर्ट है माइक्रो यूएसबी वगैरह टाइप से नहीं मिलता, तो थोड़ा ये प्रॉब्लम है। और दूसरा ये कि इसमें आपको चार्जिंग टाइम काफ़ी लगेगा, आप चार्ज करेंगे ना तो बहुत टाइम लगता है इसको, मतलब फुल चार्ज होने में, तो मैंने एग्जैक्टली टाइम तो मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा पर ये काफ़ी ज़्यादा है जो मुझे थोड़ा सा यहाँ डिसअपॉइंटिंग लगा। अब ये सब चीज़ों के बाद में अगर बात करेंगे क्या आपको इसे खरीदना चाहिए, अब देखिए ये जो स्पीकर है इसकी कॉस्ट अमेजोन पर करीबन 1300 रुपये से लेकर 1500 रुपये के आसपास तक आपको मिल जाती है। मेरे हिसाब से मैं कहूँगा डेफिनेटली आप इसे खरीद सकते हैं और ये काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, मतलब इसके आप लुक्स देखिए, मतलब इस रेट में ये लुक्स और ये साउंड क्वालिटी वगैरह डेफिनेटली मैं कहूँगा एक बढ़िया पैकेज है। अगर आप खरीदना चाहें तो आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इसका जो बाइक लिंक है वो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो वहाँ चेक कर सकते हैं और आपको अपडेट प्राइस वहाँ से पता चल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें। हम मिलेंगे किसी और वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।